जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP में निकली स्टेनोग्राफर ASI की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है, और आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेल और फीमेल कि ऑल इंडिया भर्ती निकली हुई है। तो इस भर्ती से संबंधित हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले तो मैं आपको सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपके लिए इस भर्ती से संबंधित कुछ जो मेन मेन डिटेल्स है वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए ऑनलाइन जो आपका ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दिया गया है, जो इसका नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है, इससे मैं आपके लिए कुछ पॉइंट क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ITBP सब इंस्पेक्टर, सॉरी ITBP ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में आपको अगर अप्लाई करना है तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप ITBP में पहले से ही सर्विस कर रहे हैं और आप अपने लिए अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई होगा दोस्तों 8 जून 2022 से, जो कि चलेगा 7 जुलाई 2022 तक, ठीक है। तो 8 जून 2022 से लेकर 7 जुलाई 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, ठीक है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए वैकेंसीज हैं 19 और फीमेल के लिए वैकेंसीज हैं 2। दोनों के लिए ही दोस्तों जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, 10+2 आपके लिए पास होना चाहिए यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में शॉर्ट हैंड होना जरूरी है। तो शॉर्ट हैंड का आपका 10 मिनट का डिक्टेशन होगी, जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन आपके 50 मिनट इन इंग्लिश और 50 मिनट्स इन हिंदी, ठीक है, लिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप ITBP में पहले से ही कार्यरत हैं और आप अपने लिए ASI के तौर पर पद पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल 17 वैकेंसी हैं ओनली फॉर ITBP सर्विंग पर्सनल, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये दोस्तों वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। और अब चलते हैं दोस्तों हम इसके ऑफिशियल नोटिस, जो कि ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये है आपकी जो मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ASI स्टेनोग्राफर डायरेक्ट एंट्री मेल और फीमेल दोनों के लिए ही, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, जिसकी आपको डिक्टेशन होगी यानी कि आपका टेस्ट लिया जाएगा 10 मिनट में, आपसे 10 मिनट तक का डिक्टेशन करवाना होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट इन इंग्लिश का होगा और 65 मिनट हिंदी का होगा। तो दोस्तों, ऑल इंडिया के लिए भर्ती है। ITBP की ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.recruitment.itbppolice.nic.in। इस पे जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगर कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है तो आपको बता दें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों। 8 जून से 7 जुलाई 2022 के बीच में आप अपना जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।